हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम एस स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स एम बी ए इग्नू के अंदर जो एच आर एम है उसमें जो कोड लिए हुए हैं उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर एक यूनिट वाइज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। आपको उस यूनिट में से हर एक में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ, उन्हीं को आपको याद करना है। बाकी आप स्किप कर सकते हो, तभी आपके पूरे मार्क्स आएंगे। तो या तो आप इसको नोट कर ले या पॉज करके आपको उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर दें, मैं आपको PDF भेज दूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आप देख रहे हैं इग्नू का सेल्फ ज्ञान चैनल, यहाँ पे मिलती है इग्नू से रिलेटेड पूरी नॉलेज और पूरी MBA, MBA, PA, BCom, BSc की पूरी क्लासेस हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट वन से, इसमें 1.3 में नेचर ऑफ ग्रुप आता है। नेचर ऑफ ग्रुप के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता होता है वो क्रिएटेड ग्रुप एंड इम्पोर्टेंस। उसके बाद 1.6 जो है उसमें ग्रुप प्रोसेस ऑफ ए फंक्शन ऑफ इंटरेक्शन उसके बारे में। तो ये दो इम्पोर्टेंट है, बाकी इतना वो नहीं है। और जो यूनिट टू है उसमें स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट्स के अंदर पूछता है कि वाई ग्रुप जॉइंट और डेवलपमेंट ऑफ टीम्स, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है। उसके बाद यूनिट नंबर थ्री में 3.1 इंट्रोडक्शन और 3.2 सोशोलॉजिकल अप्रोच ऑफ एलिनेशंस। ये एलिनेशन के ऊपर शॉर्ट नोट भी आ जाता है, कभी इन दोनों को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। तो 3.4 में जो आता है वो फिजियोलॉजिकल अप्रोच के अंदर, उसमें से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं उसी के अंदर से। दी मोटिवेशनल अप्रोच ऑफ एलिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। दी मोटिवेशनल अप्रोच इन एलिनेशन, ये भी आया हुआ है। तो इसको अलग अलग है, तो इसको देख लेना। उसके बाद यूनिट फोर में 4.9 मिलग्राम्स की स्टडी आती है, जिसके अंदर जो है रिवार्ड पोअर और कोर्सिव लेजिटिमेट रेफरेंट पोअर, अलग अलग टाइप की जो पोअर हैं उसके वो अलग से शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं। वाई एंड हाउ द इम्पोरमेंट, ये सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे और क्यों जो है इम्पोरमेंट किया जा सकता है, ठीक है। वो उसके बाद यूनिट नंबर फाइव में 5.1 द कंसेप्ट ऑफ रोल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दो तीन बार आया हुआ है। उसके बाद 5.2 टू रोल सिस्टम के बारे में पूछ सकता है, ये भी आया हुआ है। और उसके बाद 5.3 मैपिंग रोल सिस्टम, इसके अंदर जो है रोल स्पेस और रोल सेट दो इंपॉर्टेंट चीज है, लॉन्ग में आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद यूनिट नंबर 6.5 रोल एनालिसिस टेक्निक रेट के बारे में शॉर्ट नोट आता है। उसके बाद यूनिट नंबर 7 में से आप एक क्वेश्चन परिवार का प्रिपेयर कर सकते हो खुद, उसमें आता है हाउ टैकल स्ट्रेस एट वर्क प्लेस एंड डिफरेंट डिफरेंस क्या है और डिस्ट्रेस, कहीं ये लिखा नहीं हुआ है अलग से, तो उसी में से अपनी जो यूनिट 7 है उसमें से आपको सॉर्ट आउट करके इस कंसोल लिखना, ये आया हुआ है। उसके बाद 7.4 के अंदर बॉस BOSS करके है, व्हाट इज बर्न आउट के अंदर, तो ये शॉर्ट नोट में आता है BOSS। उसके बाद यूनिट नंबर आठ में जो है ऊपर वाला ही है स्ट्रेस वाला, तो वो आप बॉश वाला स्ट्रेस वाला, तो बस वही आता है, बाकी कोई खास नहीं है। उसके बाद यूनिट नंबर 9 बेस ऑफ पावर और कर्सी बेस ऑफ पावर, ठीक है, और परसीव बेस पावर, इन दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट आते हैं। यूनिट नंबर 10 के अंदर कंसेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट और एम्पावरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आता है। उसके बाद वो 10.1, 10.3, उसके बाद 10.3 के यूनिट 11 के अंदर जो आता है वो आता है डायमेंशंस ऑफ पावर शेयरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग हर बार इसमें से क्वेश्चन आता है। तो डायमेंशन ऑफ पावर शेयरिंग कर लेना, चार बार तो मैंने इसको खुद देखा आया हुआ है पेपर्स के अंदर। उसके बाद 10.4 में द नीड ऑफ इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म विद द डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से यूनिट 11 में से एक क्वेश्चन आ ही जाता है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो आता है जो पूछा जाता है, इसको खुद प्रिपेयर कर लेना, ये कहीं लिखा नहीं हुआ है। व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर वो यूनिट 12 के अंदर 12.2 ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप नीड, उसके बाद 12.3 में दी ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो तीन बार क्वेश्चन आया है 12.3 में। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, हाउ इट इज डिजाइन एंड इंटरडिपेंडेड वो इम्प्लीमेंटेड सॉरी, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अलग से तैयार कर लेना। उसके बाद यूनिट नंबर 13 में 13.4 अजेंस एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर,
इसकी कंसेप्ट भी पूछता है कि कंसेप्ट भी बताओ, तो ये आया हुआ है तो इसको आप कर सकते हो। उसके बाद यूनिट नंबर 16, मैंने बीच का छोड़ दिया, मैं उसके लिए अलग से बताऊंगा क्वेश्चन। तो यूनिट नंबर 16 में, और आप स्किप भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, उसमें इतना वो नहीं है, उसके कुछ क्वेश्चन है जो मैं बाद में बता रहा हूँ आपको, बताऊँगा अभी यूनिट ख़त्म होने के बाद। तो 10.2 में द कंसेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार आ रहा है यूनिट 16 में, 4 बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग, ठीक है। ये है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार क्वेश्चन ये आया है, इसका मतलब यूनिट 16 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, हम 100% आपको मिलता है, तो इसको कर लेना। उसके बाद यूनिट 19 के अंदर जो है टीनेट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अलाइंसिस, ये भी बार बार आता है शॉर्ट नोट या लॉन्ग कोट में, शॉर्ट नोट में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेकिंग स्ट्रेटेजिक अलाइंसिस वर्क, ठीक है। तो ये भी आया हुआ है, तो ये तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया यूनिट के अंदर से। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ, जो यूनिट स्किप हो गया उसमें आप कर सकते हो। सबसे पहला यहाँ से शुरू करते हैं, बॉस, बॉस मैंने बता दिया कहाँ से अभी डिस्कस किया था, बॉस किसके अंदर में है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, ये भी बता दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार आ रहा है। क्रॉस कल्चर डायनेमिक्स के बारे में लिख लेना अलग से। टाइप ऑफ पावर मैंने उसमें बताया था कि तो पावर जहाँ जहाँ पे अलग अलग टाइप की पावर बताई गई हुई है, उसमें से आपको ये टाइप ऑफ पावर हमेशा आता है, ये एक तो करना ही करना है। बिजनेस एथिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट, उसके बाद कन्फर्मेटरी एंड ओविडेंस ऑफ ग्रुप, ग्रुप्स के बारे में जो क्वेश्चन मैंने बताया था वही रेट जो मैंने पहले बताया था, थॉम्स एंड दयाल वाला। डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के बारे में, ये कई बार आ चुका है डाइवर्सिटी मैनेजमेंट, शॉर्ट नोट। एम्पावरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ यूनिट के अंदर कहाँ पे आएगा। ग्रुप एंड कमिटीज के बारे में, ग्रुप्स के अंदर में ही है ये भी, इसको भी आप कर लेना है। ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एंड इथिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वैल्यू एंड इथिक्स जो स्किप किए है उसी के अंदर से आप छोटा शॉर्ट नोट आएगा, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू और उसकी इथिक्स आप कर लेना। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर शॉर्ट नोट, स्ट्रेटेजिक अलायंस मैंने बता दिया अलायंस में आएगा ये, ऑर्गेनाइजेशन रोल एंड स्ट्रेस, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला जो क्वेश्चन बताया था उसके अंदर आता है। CSR कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के अंदर है। लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ये भी आया, अब उसी में डिस्कस हुआ है, लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा कई बार आ रहा है तो मैंने इसको अलग से शॉर्ट नोट में लिख लिया है। डिसेंट्रलाइजेशन ये भी सब कुछ उसी के अंदर से आ रहा है, ये अलग इसलिए लिखा है कि इन पे शॉर्ट नोट कई बार आए हुए हैं, ये आगे आप ढूंढ लेना तो लॉन्ग भी और शॉर्ट भी दोनों हो जाएगा। अप्रोच ऑफ डीले विद डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी वाले के अंदर से है। स्ट्रेटेजी अलायंसेस एंड कोलिजेशंस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ रहा है बार बार, तो वही चीज़ें रिपीट हो रही है, आपने देखी होगी हर एक यूनिट के अंदर। या तो आप जो है इसको मेरे से मंगा सकते हो, या जो है मैं आपको कमेंट कर देना, मैं आपको मेल कर दूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, MS 26 इग्नू MBA HRM के अंदर, तो वो इसको ले सकते हैं। और इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 99% यही क्वेश्चन आपके अंदर आएंगे, और इनको रेडी करके आप जो है अपना एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। तो इसी तरीके की अलग अलग कोड के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, MS 27 MS 5, तो इस तरीके की जो वीडियो है आप देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप प्ले लिस्ट में जाके आप MBA की उसमें जाके चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।